आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आजमगढ़ बस स्टेशन पर स्थापित परिवहन निगम के डिपो कार्यशाला और प्रशासनिक कार्यालयों से मोर्चे के सहभागी संघों के कर्मचारी प्रतिनिधियों सदस्यों ने परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा शासन व निगम प्रबंधन को प्रेषित आंदोलन नोटिस दिनांक 3 नवंबर 2020 में घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें 7 सूत्रीय मांगों का पुरजोर समर्थन किया गया। इस मौके पर सत्येंद्र कुमार, शाखा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, डिपो और क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह सहित तमाम पदाधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पत्रकारों से हुई बातचीत में जसवंत सिंह धरना प्रदर्शन के सभापति ने क्या कहा, देखे इस हमारी रिपोर्ट में। हम अगर अधिक आय करते हैं, इनकम ले आते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। जी, अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए, आज क्या मामला, क्या धरना प्रदर्शन का? मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा का एक पदाधिकारी हूँ। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निजीकरण उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पे किया जा रहा है, जो हमारे सारे रूट्स प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जा रहे हैं, परमिट जारी किए जा रहे हैं, जो और राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उसे राष्ट्रीयकरण करने के लिए, राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने के लिए, जो हमारे मृतक आश्रित के साथी हैं उन्हें नौकरी देने के लिए, हमारे जो संविदा के साथी हैं उनको रेगुलर करने के लिए, हमारे जो आउटसोर्सिंग के साथी हैं उनको न्यूनतम वेतनमान के लिए, हमारे जो डीए हैं भत्ता है उसे प्राप्त करने के लिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 7 सूत्री मांग पत्र उत्तर प्रदेश शासन को दिया गया है। आज लगातार 17 तारीख से हम आंदोलनरत हैं। आज हम 25 तारीख को पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संघर्ष मोर्चा अधिकारी कर्मचारी सारे के सारे लोग आज हमारे साथ हैं। हम उत्तर प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय परिवहन मंत्री से, माननीय प्रमुख सचिव जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अविलंब अगर आज हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, जो होना चाहिए, जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है उसमें 93% पे प्राइवेट ऑपरेशन चलता है, मात्र हम 7% पे चलते हैं, इस पर भी उनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है, वो कौन से कारण है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 700 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश शासन को देता है, प्राइवेट वाले 1 रुपये नहीं देते, 110 रुपये यात्री कर उनके जो प्राइवेट गाड़ियां वो आरटीओ ऑफिस में जो जाती हैं उनको प्रति बस यात्री कर लगता है, और हमारी वही अनुबंधित गाड़ी जो करती है 450 रुपये हमसे लिया जाता है, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें का जो हम कराते हैं रजिस्ट्रेशन उसका 600 रुपये लगता है। ये क्या तरीका भाई, एक प्रदेश में एक शासन द्वारा इस तरह की जो गलत नीतियों का अख्तियार, हम इसका विरोध कर रहे हैं, समान किया जाए। पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति? हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन को बताने का काम करेंगे, हमारे रगों में जब तक दम